हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों वन प्लस को तो कौन ही नहीं जानता, जो कि जाना जाता अपने बेस्ट डिजाइन वाले फोन्स के लिए। तो वन प्लस अपने एक के बाद एक नए नए फ्लैगशिप डिजाइन वाले फोन लॉन्च करते जा रहा है। भले ही अब वन प्लस ओप्पो की कॉपी हो गया है, बट वन प्लस ने अपना एक और बेस्ट डिजाइन वाला फोन, बिल्कुल फ्लैगशिप किलर फोन लॉन्च कर दिया है, जो कि है वन प्लस S2V, या हम उसे वन प्लस नोट 3 भी कह सकते हैं। जो उसके फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स मिलते हैं और जिस प्राइस पे मिल रहे हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली जो इसकी प्राइस रहेगी वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहने वाला है। ये जानते हैं सभी फीचर्स इस OnePlus Note 3 के, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिल रही है और किस प्राइस पे मिल रही है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो कर दो लाइक। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि फोन दिखता कैसे, यानी कि इसकी डिजाइन के बारे में। इनके बैक में देखते तो बिल्कुल ही आपको ओप्पो की याद दिला देता है, उसके ही सेम एज इट इज आपको डिजाइन रखा गया है। यहाँ पे आपको पीछे ट्रिपल कैमरा यानी 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, 2 आपको इसमें फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है। OnePlus का बीच में लोगो भी देखने को मिलता है जो काफी सुंदर सा लगता है, और इसका जो कलर है वो भी काफी एनहेंस करता है, जो कि नोट सीरीज में चलता आ रहा है। आपको इसमें साइड में अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल रहा है, जो आपको एक ग्लास का बैक पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम सी फिनिश देता है। तो यार डिजाइन में देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको काफी अच्छी डिजाइन दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सबसे बेस्ट वाले फीचर्स की, और वो आता है दोस्तों स्मार्टफोन का डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में देखोगे तो आपकी बार नोट सीरीज में काफी अच्छा काम किया गया है, जिसमें जनरली देखते हैं तो हमको डिस्प्ले मिड साइज की देखने को मिलती है नोट सीरीज में, लेकिन इसमें OnePlus Note 3 में आपको एक बड़ी डिस्प्ले 6.78 इंचेस की फुल HD सेंटर पंचोल कैमरे के साथ 120 हर्ट्ज के एक फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। और ये कोई ऐसी वैसी डिस्प्ले नहीं है, बिल्कुल 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। जो आपको कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, और जिस प्राइस पे आ रहा है वो बिल्कुल किलर रखी गई प्राइस इसकी। तो आपको जनरली 3 वेरिएंट्स में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो कि अभी इंडिया में नहीं आया है। 12 to 56 GB, सेकंड इसमें आ जाता है 16 to 56 GB, एंड थर्ड है आपको 16 to 512, यानी 512 GB की स्टोरेज में ऑप्शन दिया गया है, जो स्टोरेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कर लेते दोस्तों स्मार्टफोन की पावर की, यानी कि उसका प्रोसेसर, ये भी एक मेन हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है फोन का। MediaTek एक फास्टेस्ट न्यूली प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9000 का एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपकी बैटरी भी काफी बचाएगा और आपको पावर काफी एनहेंस करके देने वाला है। आपको जिसमें गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, आपको बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की इसकी पावर देखने को मिल जाएगी। वो अंततः स्कोर अराउंड 10 लाख के पार जाता है, तो काफी बेस्ट और पावरफुल चिपसेट रहने वाला है। अब वो आता है दोस्तों स्मार्टफोन का कैमरा। तो कैमरे में देखते हो तो पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64+8+2 MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहे हैं, जो कि जनरली हम देख रहे हैं तो फोनों में यही मेगापिक्सल चलते आ रहे हैं और यही बिल्कुल फॉलो करते जा रहे हैं 68+8+2। वहीं पे 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, तो आपको काफी बेस्ट तरीके से सेल्फी आने वाली है। ओप्पो बात कर ले कुछ फीचर्स की, तो आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा विद ऑक्सीजन OS के साथ। तो इसमें देखें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक जैसे सभी फीचर्स इस फोन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन OnePlus की ब्रांडिंग अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल रहा है इसमें। अब बात कर लीजिए स्मार्टफोन के लास्ट एंड लास्ट पॉइंट की, है दोस्तों स्मार्टफोन का बैटरी। तो बैटरी में देखते हो तो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और ये ऐसी वैसे नहीं, बिल्कुल 18 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जर डब्बे के अंदर देखने को मिलता है। तो यार बैटरी और चार्जिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं है इसके प्राइस को लेते हुए। ये थे ओवरऑल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन OnePlus Note 3 या OnePlus S2V के लीजिए। देखो मेन बात आती है स्मार्टफोन के प्राइस की, तो प्राइस क्या रखेगी ये, तो अगर अपन ग्लोबली वेरिएंट में इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस देखें, जो कि है 12 to 56 GB, वहां पर 12 to 56 GB के साथ ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में देखें तो ये आपको बेस वेरिएंट 8 128 GB से भी मिल सकता है, तो वहां पे इसकी प्राइस अराउंड आपको 27 to 28,000 के अराउंड देखने को मिलती है। अगर अनुमान लगाया जाए तो अराउंड आपको 30,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और अगर ये 30,000 के अंदर आता है तो काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रह सकता है। ये भी जो 30,000 के अंदर फोन्स आ रहे हैं उनको किल कर सकता है। उसमें डिस्प्ले भी 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है बड़ी, और आपको एक बेस्ट पावरफुल चिपसेट भी मिल जा रहा है, साथ में कैमरास भी आपको अच्छे खासे दिए गए हैं, बैटरी और चार्जिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, और डिजाइन तो हमेशा हमेशा रहता ही है। इंडिया में 1 से 2 चेंजेस के साथ आने वाला है, बाकी डेफिनेटली आपको ये पूरा एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड वीडियो कर दो लाइक।